30, कितना 28, 20, 21, अच्छा 41 था, 40, 30, 34, 28, 32, हाँ आपका आपका नहीं था। चलिए, जो लोग नहीं आए थे उनको पता था कि टेस्ट होने वाला है, तो सरप्राइज टेस्ट था। हाँ, क्लास ही होना था बट क्लास नहीं हो पाया, क्लास नहीं हो पाया क्योंकि यूपीएससी बैच कल से स्टार्ट हुआ था, आईएएस का बैच कल से स्टार्ट हुआ है, मिशन 50 का, उसमें शेड्यूल था मेरा, जिसके वजह से आप लोगों को ये करना पड़ा और उधर आज अल्टरनेट करके फिर इधर आप में क्लास मिली है, जिसके वजह से कल आपके बैच में क्लास नहीं हो पाया था। तो हुआ कि क्लास नहीं हो पाया तो टेस्ट करा लेते हैं, है ना। टेस्ट हुआ जिसमें से गर्ल्स साइड से हाईएस्ट मार्क्स है 41, है ना आपका, और सेकंड पे है 40 आपका, है ना। इधर से हाईएस्ट बॉयज़ में 47 है ना, और तीन चार लोग हैं जो 40 के अंदर में है ना। इधर 40 के अंदर में या 40 पे केवल दो लोग हैं, बाकी सब लोग 30 के अंदर में है या 20 के अंदर में। किस किस क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या, क्या क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं कोई लोग? किस क्वेश्चन में समस्या है, लाइए देख लेते हैं, लाइए नंबर बताइए, नंबर डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास ए हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि उत्तर गड़बड़ है वो बताइए। 25 में सब लोग को दिक्कत है, ठीक। 25 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन के 42वें संशोधन द्वारा नित्य सत्व में नहीं जोड़ा गया, है ना, जो नहीं जोड़ा गया। तो इसमें तो आप लोग ही कह रहे हैं 25। हाँ, कह रहा है कि नहीं जोड़ा गया, तो सभी ने, ये तो शुरू से ही था संविधान में, वही सी ही आंसर होगा, कॉमन सिविल कोड, क्योंकि वह प्रारंभ इनिशियली जब संविधान बना था तभी से संविधान में था वो, है ना। 47 में दिक्कत है, 47 में दिक्कत है ना, ठीक। 47 संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? हाँ, तो ए जितना लोग लगाए थे उनका सही होगा, है ना। 1/10 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1/10, है ना, लोकसभा में भी 1/10 और राज्यसभा में भी 1/10 ही कोरम होता है। 44 भारत के संविधान में क्या कथित है, यानी कि क्या कहा गया है? स्टेटमेंट एक है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, है ना। तो नहीं, तो इसका आंसर बी जितने लोगों ने लगाया होगा 1 और 2 सही होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही बात है, है ना, वो किसी का भी मेंबर नहीं होता है, और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है ना। तो दोनों ही लाइन इसके सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों। और बताइए, 32 देखना नहीं है, जिसमें आपको लगता है कि गलत उत्तर है वो बताइएगा बस। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 4 बार। आंसर बी ही होगा, 4 बार। ये तो आपको लिखा है, बताया भी गया है कि 4 बार जो है वो हुआ है, ठीक है। 20
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, है ना? तो काम करने का अधिकार, तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि दो आर्टिकल तो सीधे फंडामेंटल राइट्स के हैं, है ना, 18 और 21, और क्वेश्चन में डीपीएसपी की बात कर रहा है ना, तो 41 और 46 दो ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। 46 ऑलरेडी क्लियर है कि एससी एसटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड मामला है, तो 41 जो है वो कामगार से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित करते किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसमें अनुच्छेद 14 है, 14 और 15 है, अनुच्छेद 14, 15 और 16, अनुच्छेद 14 और 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली 14 होगा, ठीक है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, ठीक है। तो और डीपीएससी में भी बात किया गया समान कार्य के लिए समान वेतन, तो उसमें कहा गया है कि लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, है ना, कोई भी लैंगिक भेदभाव नहीं होगा किसी प्रकार से। और 14 स्पष्ट तौर पर कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, है ना, किसी कोई भी जो है वो कानून के सामने, कानून किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ए जितने लोग लगाए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? देखिए, तो इसमें कौन सा सही है की बात कर रहा है, तो दो जो कहे कि भारत के समय पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, ये सही बात है, है ना, पिछड़ा वर्ग का जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है। वहाँ पर बस इतना कहा गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस, है ना, लेकिन उसमें कौन कौन शामिल होगा, जाति होंगी नहीं होगी, इस प्रकार का कोई उपबंध उसमें नहीं किया गया है। और ना ही संविधान के में माइनॉरिटी क्लास को क्लासिफाइड किया गया है ना, अल्पसंख्यक वर्ग को भी उसमें नहीं बताया गया है। और पहला है कि भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में इसको अमेंड करके लाया गया है, है ना, हाँ, इसको अमेंड करके नहीं, 39 में ही, 39 में, है ना, 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, वहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि उसमें कौन सा सही है, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है, मतलब एक और दो ए सी जो है, पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। पहला मूल संविधान में तो नहीं है, लेकिन अमेंड के माध्यम से ये लाया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। क्या हाँ, 39A बोलता है, लेकिन वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मूल क्या, मूल संविधान नहीं लिखा है इसमें, लेकिन पूछ रहा है कि संविधान में है अथवा नहीं, ठीक है, तो संविधान में है अथवा नहीं पुरुष और महिला के लिए पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका भाव ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को एग्जीक्यूट हुआ था उसके हिसाब से, तो इसलिए वहाँ पर इसका कोई उपबंध नहीं है, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया है, बाद में इसका चर्चा किया गया, 39 में इसके बारे में चर्चा है, ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मतलब जब संविधान बना था तब नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया, तो ये एडेड है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और क्वेश्चन, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, विधान सत्ता समझ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, शुद्ध हिंदी में विधान सत्ता गणित समझ में आए। तो यहाँ पे लिख रहा है 15 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज कंप्लीट कंट्रोल ऑन लेजिस्लेटिव पावर, है ना, जो लेजिस्लेटिव पावर पर जो है कंप्लीटली क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो आर्टिकल 14 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर पर
कंट्रोल करता है ना, वही कहता है कि भाई कानून जो है वो ऐसा बनना चाहिए कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत लग रहा है आप लोगों को? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ना, जो मूल मूल अधिकार को निलंबित कर देती है, खत्म कर देती है। तो सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो ये तो क्लियर है कि जब आपातकाल लगेगा तो उसी समय क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा, वो आपके पास रहेगा नहीं। लेकिन अलग से मैंने आपको बताया था कि 19 को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति को डिक्लेयर करना पड़ता है ना। राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेयर करता है कि भाई 359 के बेसिस पर तो आपका फंडामेंटल राइट ये होता है, ख़त्म होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर ख़त्म होता है। कुछ तो स्वतः ख़त्म हो जाता है और जो बचा रहता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही ख़त्म होता है। इसके अलावा इमरजेंसी के कंडीशन में ये ख़त्म होता है तो इमरजेंसी भी एग्जीक्यूट राष्ट्रपति के कहने पर ही होता है, राष्ट्रपति के बिना कहे इमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखें, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इमरजेंसी नहीं है, कह रहा है कि मूल अधिकार को निलंबित करे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? संसद कैसे होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान पर मूलभूत अधिकार को लंबित करने वाली सत्ता है संसद जो है, ये अगर कुछ ऐसा विवाद हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है, तो वो अमेंडमेंट करके चाहे तो हटा सकती है, ख़त्म कर सकती है, ठीक है। वो ख़त्म कर देगी, निलंबित करने की बात नहीं है, या निलंबित मतलब कि अस्थायी तौर पर हटाने की बात है, ये समाप्त करने की बात नहीं। अगर पूछा जाता कि मूल अधिकार को कौन ख़त्म कर सकता है, संसद ख़त्म कर देगी, लेकिन ये निलंबन की बात कर रहा है। निलंबन का मतलब होता है कि अस्थायी तौर पर हटा देना कुछ समय के लिए, है ना। तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनको निलंबित कर दिया गया, निलंबित करने का मतलब ही नहीं होता है कि ख़त्म हो गया। निलंबित करने का मतलब हुआ कि एक प्रकार का दंड दिया गया है, कुछ समय के लिए आप सर्विस में नहीं है, फिर आपकी बहाली हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे निलंबित करने की बात है, तो निलंबित जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर फंडामेंटल छीन लेना हो, समाप्त कर देना हो, तो ये काम संसद करेगी संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना। जैसे संपत्ति का अधिकार को छीन लिया, ख़त्म कर दिया, अब वो विधिक अधिकार बन गया, है ना। तो यहाँ पे चूंकि निलंबन की बात कर रहा है, अस्थायी तौर पे हटाने की बात है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर हटा देने की बात होती कि कंप्लीट इसको ख़त्म कर देना है, तो ऐसी स्थिति में संसद के पास पावर है कि इसको ख़त्म कर दे, लेकिन वो भी सामान्य कानून के माध्यम से नहीं, संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना। बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या देख रहे थे, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेज। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेज, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, मतलब न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो पहले लिख लेंगे, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, ओके भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी
जज बनने का कोई मिनिमम एज नहीं फिक्स किया गया है, मैक्सिमम एज फिक्स है, रिटायरमेंट का फिक्स है कि हाई कोर्ट से रिटायर होंगे तो 62 साल रिटायर हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हाई रिटायर होंगे तो यहाँ से 65 साल में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम एज किस एज में आप ज्वाइन करेंगे इसकी कोई चर्चा संविधान में नहीं की गई है। तो पहला बात तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे कि ए जज ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास हैव हेल्ड अ पोजीशन एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द पास्ट टेन ईयर्स किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। ठीक है, देखिए 10 साल तक या तो वो अधिवक्ता रहा हो या फिर 10 साल तक वो जुडिशियल सर्विस में रहा हो, है ना, लिख लेंगे कि 10 साल तक न्यायिक सेवा में कार्य किया हो, न्यायिक सेवा में एक तो अधिवक्ता हो गया कि 10 साल तक अधिवक्ता होगा, या फिर इसके अलावा न्यायालय में ही वो अन्य काम किया हो, ठीक है, या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में ही जज रहा हो, सेशन जज रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में 10 साल का उसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, है ना, 10 ईयर्स जुडिशियल एक्सपीरियंस इन एनी कोर्ट, है ना, 10 ईयर्स जुडिशियल एक्सपीरियंस इन एनी कोर्ट, किसी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायिक कार्यों का अनुभव, ठीक है, 10 वर्ष का न्यायिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है, मेनली इसमें यही देखा जाता है कि 10 साल तक वकालत किया है कि नहीं, है ना, अगर 10 वर्ष तक वो किसी हाई कोर्ट के अंदर में वकालत किया हुआ है तो उसको एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम रिकमेंड कर देता है, है ना। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का अनुभव हो यानी कि वकालत किया हो, या फिर 10 साल तक न्यायिक कार्यों का अनुभव हो, है ना, जुडिशियल सर्विस के अंदर में वो 10 साल तक काम किया हो, ये सारी चीज़ें अगर वो किया है तो फिर उसके पास ये पावर्स है कि वो, मतलब उसके पास योग्यता है कि वो बन सकता है हाईकोर्ट में जज, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये पावर्स इसको यहाँ पर ऑफर किया गया है, ओके, नोट करके लिख लेंगे। न्यूनतम आयु सीमा का चर्चा संविधान में नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा का चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक है, मिनिमम इज नॉट डिस्कस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा का चर्चा संविधान में नहीं है, ओके, क्लियर है। तो अब देखिए बाकी सारा जो हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स का, है ना, या इनका रिमूवल का, तो वो सारा आप देखेंगे कि वो वैसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं वैसे यहाँ पर भी होता है ना, सेम चीज़ है, बस यही अंतर है कि ये स्टेट लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है, देश में किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वो सीधे डिस्कस होता है कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय में उसको वहाँ पर डिस्कस में लिया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आपको बस इतना दिखता है कि वो स्टेट लेवल पे है और वो सेंट्रल लेवल पे है, बाकी काम जो है दोनों सेम ही करते हैं, वो सेंटर के लिए करता है, पूरे देश के लिए करता है, और ये जो है वो इसके लिए करता है, तो केवल अपने एक स्टेट के लिए करता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है
हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है, जब सुप्रीम कोर्ट आप पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये एक प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच पर है ना, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं है, है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सब का सब जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, और सेम प्रोसेस जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर होता है। इन लोगों को हटाने का भी प्रोसेस, हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। मतलब कि हाई कोर्ट के जज को यदि इनके पद से हटाना है तो उसका डिस्कशन भी जो है वो कहाँ होगा, वो पार्लियामेंट में ही होगा, वो संसद में ही होगा, है ना, वो कहीं दूसरे जगह पर नहीं होगा। यानी कि अगर पटना हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो इसका डिस्कशन पटना के लेजिस्लेचर में नहीं होगा, यानी कि बिहार की विधानसभा में नहीं होगा, बल्कि देश की संसद में होगा, ठीक है। तो देश में कहीं पर भी किसी को अगर हटाना है, किसी जज को हाई कोर्ट से, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही हटेगा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट भी करना है तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी, प्रेसिडेंट करेगा, है ना, राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हटाने का काम भी कौन करेगा, संसद करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा का पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना, ये पूरी तरह पर एकीकृत व्यवस्था पर ये निर्भर करता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पे है। और दोनों के पास ही राइट है, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का, है ना, हाई कोर्ट भी आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही करेगा, है ना, ये करेगा 226 के तहत और फंड, और ये सुप्रीम कोर्ट करेगा जो है सो आपको 32 के तहत, है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास, और इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, ये भी आपको रिट जारी कर सकता है, है ना, ये जो हाई कोर्ट है ये भी आपके लिए रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, न्यायाधीश जारी कर सकता है, और रिट जारी करके आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा कर सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया था तभी बताया था आपको कि रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है, है ना, हाई कोर्ट ज़्यादा पावर इंजॉय करता है इस संबंध में, इस मामले में, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है सो ध्यान रखना है, ओके। सैलरी वाली पे इसके बात कर लिए थे कि हाई कोर्ट में कितनी सैलरी होती है और हाई कोर्ट के जजेस को क्या सर्विसेज अलाउ होता है, और इनको भी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी मिला हुआ है ना, पूरी तरह से स्वतंत्रता इनको भी मिली हुई है। अभी देखिए बिहार में जातिगत जनगणना का काम चल रहा था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, आज हियरिंग होनी है हाई कोर्ट में, है ना, और हाई कोर्ट अगर इसको बंद कर दे तो धन्यवाद का पात्र होगा हाई कोर्ट, है ना, क्योंकि क्या हो सकता है जातिगत जनगणना का, है ना, ये जातिगत जनगणना किसी जाति के कल्याण के लिए हो रहा है क्या, ये किसी भी जाति का इसमें कल्याण नहीं है, है ना। अगर किसी को ऐसा लगता है या ये नेता सब जो समझाता है कि इससे फायदा होगा, है ना, इससे उसको अपना फायदा होगा चुनाव में, है ना, उसे बरगलाएगा, जो जातियाँ देखेगा कि इनका नंबर बढ़ा हुआ है उसको बरगलाएगा, उसको गलत गलत बात पढ़ाएगा ताकि चुनाव में उसका वोट ले ले, अन्यथा ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं अगर ये लोग सही से ईमानदारी से काम करते तो क्या अगर कोई जातियाँ कमजोर रहती बिहार में, नहीं रहती ना। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो लोग शासन कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके कम्युनिटी के लोग, उनके कास्ट के लोग दबे पिछड़े रहें, क्योंकि अगर वो दबे पिछड़े रहेंगे तो फिर इनके राजनीति का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा पर जाएंगे चुनाव लड़ने, तो वो मामला ही वही है और उसी का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और अगर मतलब एक तो बड़ी सीधी से सा सवाल है कि बिहार में अगर बिहार की सरकार अगर ये कहती है कि बिहार में पिछड़े वर्गों की स्थिति अच्छी नहीं है, पहला बात तो पिछड़ा अगड़ा कुछ होता नहीं है, ये लोग उन्होंने बना दिया, इस वजह से इस तरह के शब्दावलियों को यूज़ करना पड़ता है, सब लोग बराबर हैं, लेकिन फिर भी जो ये वर्ड जो हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो 90 के दशक से बिहार में शासन कौन कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं ना, क्यों नहीं ठीक किए, करना चाहिए था ठीक, 15 साल एक भाई, 15 साल एक, इनका तो 20 होने जा रहा है, है ना, तो यही लोग किए ना, तो कहाँ थे ये लोग, क्यों नहीं डेवलप किए, करना चाहिए था डेवलपमेंट, करना चाहिए था, उनकी स्थिति अच्छी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किए, क्यों, क्योंकि अगर स्थिति अच्छी कर दिए रहते तो फिर आज भी जो कहानी 90 से शुरू हुआ वो कहानी आज खत्म हो गया होता, लेकिन उस कहानी को लंबा खींचना है, है ना, ये वही वाला प्रोफेशन है जिससे वकालत वाला प्रोफेशन होता है ना। एक वकील साहब थे,
वो एक केस लड़ रहे थे और उनका बच्चा जब हुआ तो बच्चा को उन्होंने खूब अच्छा से पढ़ाया लिखाया, उसको भी वकील बना दिया, बहुत बड़ा बेहतरीन वकील बनाया। तो जो केस वो लड़ रहे थे, तो एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, तो उन्होंने बच्चे को कहा कि भाई सुनो, पढ़ लिख गए हो, इस केस की हियरिंग आज तुम देख लो, केस में क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है पिताजी, आज मैं ही देख लेता हूँ। चला गया केस को देखने के लिए कोर्ट में। जब कोर्ट में गया और केस को देखा तो पढ़ा लिखा था, योग्य था, योग्यता में कोई कमी नहीं थी। तो उसने देखा कि भाई तो इस केस में कुछ है ही नहीं, ये केस तो मतलब बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये तो मतलब पिताजी गजब झूठो कहते हैं कि बड़ा वकील, बड़ा वकील, बड़ा वकील, है ना। जो वकील जो मतलब जो केस 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है, इस केस को इतना लंबा खींच दिया, क्या बहस करेंगे, हो ना। तुरंत अपना दिमाग लगाया, जाकर के जज साहब के सामने बहस किया और तुरंत जस्टिस लेकर के और केस ख़त्म, बाइंड अप कर दिया। एक ही दिन के बहस में केस को ख़त्म कर दिया। उधर से मिठाई उठाई लेके आया कि अब आज तो पिताजी से प्रशंसा मिलेगी कि भाई मैंने तो केस ख़त्म कर दिया, आप इतना दिन से लड़ रहे थे, आज तक केस ख़त्म नहीं हुआ, और देखिए मैं एक दिन क्या केस ख़त्म करके आया, पूरा मिठाई उठाई लेकर के आया। गया पिताजी से बोला कि देखिए झूठो कहते हैं कि बड़ा वकील, बड़ा वकील, हाँ बिना मतलब का केस था, इतना दिन से खींचे जा रहे थे। तो बोले हुआ क्या ये बताओ। बोला हुआ ये कि मैंने केस ख़त्म कर दिया। बोले ख़त्म कर दिया? बोला ख़त्म कर दिया, कुछ था ही नहीं, आप तो बिना मतलब का खींचे जा रहे थे इसको, कुछ नहीं था केस में। बोला आज मुझे समझ में आया कि मैंने सबसे अयोग्य वकील बनाया है। तो बोला अब बेचारा का मुंह उतर गया, सोचा था कि पारितोषिक मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। बोले कि तुम जिस केस को ख़त्म करके आकर के वाहवाही बटोर रहे हो, इसी केस के पूरे पैसा से तुम्हारा जन्म से लेके पढ़ाई तक का खर्चा निकला है। ऐसे में अभी और कितना खर्चा निकालते हैं, आ तुम गए एक में खत्म गया, क्या कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा वकील बन गए। तब उसको समझ में आया कि नहीं, पिताजी सही में बहुत बड़े वकील हैं, है ना। उनको पता है कि कैसे फंसा के, कैसे उलझा के रखना है ना। तो ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही हाल है कि कैसे फंसा के, कैसे उलझा के, किस प्रकार से लोगों को रखना है, जिससे कि उनको ये भी लगे कि हमारे हित ऐसी हैं, लेकिन वास्तव में इनका हित भी नहीं करना है। क्योंकि अगर इनका हित हो गया, अगर ये सब लोग अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, तो फिर जातिता के नाम पर, है ना, फिर धर्म के नाम पर, है ना, फिर अन्य अन्य मुद्दों पर कैसे लोग भड़केंगे और कैसे मतलब सरकार की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। खैर, तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट के अंदर में हाईकोर्ट ने स्टे ले ली, मतलब कह दिया कि जब तक कि हम इस पर अपना वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं तब तक ये काम रुक जाएगा, और रुक गया। और आज हियरिंग है फिर से हाईकोर्ट में जातिगत जनगणना के मुद्दे पे। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या स्टैंड लेता है, है ना। लेकिन ये इसका कोई खास फायदा नहीं है, और ये अगर सही में अगर डेवलपमेंट के लिए होता, लोगों के विकास के लिए होता तो हो सकता था, लेकिन इसका इंटेंशन कुछ और है, है ना, इसका इरादा कुछ और है, कुछ अन्य इरादों के माध्यम से ये करना जा रहा है। तो अगर वो राजनीतिक इरादा को कोर्ट फलीभूत न होने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कि यही सारा काम अंग्रेज सब भी करता था हमारे देश में, है ना। सेपरेट इलेक्शन आया था अंग्रेजों के शासनकाल में 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, जिस कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ने खारिज कर दिया था, पुणे के रोदा जेल में भूख हड़ताल पे बैठे थे, है ना। अंबेडकर साहब को आना पड़ा, अंबेडकर गांधी के बीच समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, है ना, पूना समझौता हुआ, और फिर सेपरेट इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो क्या था, हिंदुओं को हिंदुओं में बांटने की बात थी, है ना। तो इसलिए गांधी नहीं चाहते थे कि एक तो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, अब हिंदुओं को ही हिंदू में ये बड़ा ये छोटा इस प्रकार करके बांट देंगे तो क्या होगा, भारत और कमजोर होगा। और भारत की विशेषता क्या है, एकता, यूनिटी, है ना। बंटवारा भारत की विशेषता नहीं है, लेकिन कुछ अपने महत्वाकांक्षाओं के वजह से राजनीतिक नेता या अन्य लोग इसको बांट देना चाहते हैं बड़े वर्ग और छोटे वर्ग में, है ना। वास्तव में धरातल पर उतना कुछ अंतर नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर और टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। खैर, तो इस प्रकार से हाईकोर्ट्स के पास ये पावर है कि हाईकोर्ट अपना संज्ञान ले सकता है और लेकर के हाईकोर्ट अपना ये सुना सकता है। अब देखिए, जो जो पावर आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, है ना, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेखीय न्यायालय, वैसे हाईकोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है,
है ना, हाई कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय, क्योंकि हाई कोर्ट के भी जितने डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन जो है वो लिख करके रखे जाते हैं, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट के भी पास है, राज्यपाल हाई कोर्ट से सलाह ले सकता है राज्य के किसी कानूनी मसले पर, है ना। प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास है, है ना, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन, जैसे कि यह लिख लेंगे कुछ, ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अब देखिए क्षेत्राधिकार क्या है, तो पहले लिखेंगे मूल क्षेत्राधिकार, मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार, मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, बेसिक ज्यूरिडिक्शन या फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक ज्यूरिडिक्शन है मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार में क्या आता है जी, तो मूल क्षेत्राधिकार में लिख लेंगे एमपी एमएलए विवाद या डिस्प्यूट्स, एमपी एमएलए डिस्प्यूट्स, यानी कि एमपी एमएलए विवाद, यानी कि विधायक और सांसदों का विवाद, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सांसद का निर्वाचन क्षेत्र अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, है ना, कि ये विधायक गलत तरीके से चुन करके आए हैं, ठीक है, तो ये मामला सीधे तौर पर स्टेट हाई कोर्ट में डिस्कस होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधे हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। या एमपी का मामला हो या एमएलए का मामला हो, है ना, एमपी होता है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं कि एमपी का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा, नहीं, पहले कहां जाएगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा। अगर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप इसके निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेट हाई कोर्ट का मामला बनेगा, ठीक है। और एमएलए का विवाद, यानी किसी विधायक का मामला हो, तो विधायक या एमपी के चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो ये सीधे तौर पर हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि ये मामला पहले दफा हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा, कहीं और सुना नहीं जाएगा, ओके, क्लियर है। तो इस चीज को जो है यहां पे आपको ध्यान रखना है, ओके। एमपी एमएलए डिस्प्यूट्स जो है वो इसका अपना मूल क्षेत्राधिकार है। इसके अलावे फंडामेंटल राइट का इश्यू, फंडामेंटल राइट रिलेटेड इश्यूज लिख लेंगे, मूल अधिकार से संबंधित मामला, फंडामेंटल राइट रिलेटेड इश्यू, मूल अधिकार से संबंधित मामला, ठीक है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट हाईकोर्ट भी आता है, सीधे हाईकोर्ट में भी आ सकता है ये, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सीधे हाई कोर्ट चले जाइए, आपको हाई कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, आपके मामले को सुनेगा, ठीक है, और आपकी मर्जी है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट सुनने का अधिकार भी हाई कोर्ट के पास है। बस यहाँ पे दिक्कत यही होती है जो मैंने उस समय भी आपको बताया होगा कि हो सकता है कि हाई कोर्ट थोड़ा लेट लतीफी कर दे, आज के आज न सुने, तीन दिन बाद का डेट दे दे, है ना, ऐसा हो सकता है। हालांकि हाई कोर्ट भी ऐसा करता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हाई कोर्ट ऐसा कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसलिए उसकी हियरिंग करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक और मूल अधिकार का गारंटर है। तो अगर वो आर्टिकल 32
स्वयं में फंडामेंटल राइट है, अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का चर्चा 12 से 35 के बीच में है, अब 32 उसी में आता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू को सुनने में देरी करता है तो माना यह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। वो जैसे ही उसका ये मामला उसके सामने जाएगा वो तुरंत उसकी हियरिंग करेगा और उसमें अपना वर्डिक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, ये उसके इसके हो जाते हैं मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्राइमरी जो इसके या प्राइमरी या कहें कि ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट लिखेंगे एडवाइजरी जुडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी जुडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है, तो एडवाइजरी जुडिक्शन के अंतर्गत ये क्या करता है, सलाह देता है ना, किसको, तो राज्यपाल को या राज्य सरकार को, है ना, मतलब राज्यपाल के माध्यम से ही गवर्नर जो है, जो गवर्नर है ये हाईकोर्ट के जो जज है ना, जज कहें या फिर सीजे कहें, चीफ जस्टिस ऑफ पटना, अब हाईकोर्ट अगर बिहार का मामला है तो पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, या किसी भी राज्य का है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय से के मुख्य न्यायाधीश से राज्यपाल जो है वो सलाह मांग सकता है लॉ के किसी भी प्रश्न पर, यानी कि विधि का कोई मुद्दा है, कोई कानूनी विषय है तो उस पर वो सलाह मांग सकता है। ठीक है, और ये सलाह उसको देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी इसके पास है। इसके बाद लिखेंगे एपिलिएट जुरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। एपिलिएट जुरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। एपिलिएट जुरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखिए हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार सबके पास है, सब लोग अपील कर सकते हैं। ठीक है, और अपील जो है वो आप सिविल मामले में भी कर सकते हैं और आप क्रिमिनल मामले में भी कर सकते हैं, है ना, सिविल और क्रिमिनल मामले दोनों में, यानी कि दीवानी और आपराधिक दोनों ही मामले में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना, मतलब किसी का मर्डर उर्डर कर दिए हैं, है ना, या कोई किसी दूसरे का कर दिया है उसमें आप भी हैं शामिल, है ना, तो ऐसे में आप जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये दीवानी है, सिविल मामला है, है ना, कोई भाग गया, कोई विवाह टूट गया किसी का, है ना, तो ये सब मामला जो है वो क्या है, या किसी का कोई जमीन हड़प लिया, है ना, तो किसी का कोई जमीन हड़प लिया तो उसमें भी दीवानी मामला बनता है ना, कोई किसी का जोड़ू हड़प लिया उसमें भी दीवानी मामला बनता है, है ना, जमीन जोड़ू दोनों में दीवानी है बनता है ना, उसे क्रिमिनल नहीं बनता है, क्रिमिनल तो तब मिलेगा जब मारपीट शुरू कर दीजिएगा, है ना, मारपीट नहीं, मारपीट करने का मतलब हो गया कि क्रिमिनल, है ना, मारपीट या धमकी दे रहे हैं लगातार, है ना, कि एक दिन है उठा, देखिए हम कुछ और बोलने वाले थे ना, ये सब सीधे उठा ही लगे, पर उठाने का मामला बहुत खतरनाक है, जल्दी बेलो नहीं देता है हाई कोर्ट, है ना, माने हाई कोर्ट थोड़ा विचार विमर्श के बाद दे भी दे, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो बिल्कुल भी बेल नहीं है, है ना, है क्या, नहीं ये हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये आपका मूल क्षेत्राधिकार थोड़ी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, हाँ पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और तब हाई कोर्ट में जाएगा, है? क्या, हाँ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला दे देगा, उसके बाद ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है कि आप, अपीलेट जुडिक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके पास अधिकार है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील आप सीधे नहीं कर सकते हैं, पहले आपको जाना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाइएगा और आप हाई कोर्ट से कह सकते हैं कि मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको ठीक तरीके से नहीं देखा गया है ना, तब हाई कोर्ट फिर से आपके मामले को देखेगा। तो इसमें आप एपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप दीवानी और आपराधिक दोनों जो मामले हैं उसको आप अपील कर सकते हैं ना, आपके पास अधिकार है और दोनों ही मामले में आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, क्यों हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है सजा है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, जो भी कोर्ट है सबके पास अधिकार है सजा देने का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो मृत्यु दंड तक सजा दे सकता है, मतलब फांसी की सजा भी चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब लोग नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो बहुत सारा कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है राज्य का, वैसे जिला का सबसे बड़ा कोर्ट जिला कोर्ट होता है, उसमें और भी बहुत सारा कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, वो जिला लेवल का सबसे बड़ा जज होता है, जैसे कि हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जज कौन होता है, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा जज डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज को ही सेशन जज कहते हैं, एक ही आदमी है उसको दो नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो जज सिविल केस देखता है तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वही मर्डर का मामला देखता है या क्रिमिनल केस देखता है, अपहरण देखेगा है ना, तो वो मामला जो हो जाएगा वो क्या, वो सेशन जज कहलाएगा। और डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो कि एक ही आदमी है उसके पास अधिकार है कि वो मृत्यु दंड तक का सजा दे सकता है, मतलब वो चाहे तो फांसी तक की सजा दे सकता है, लेकिन हाँ उसके द्वारा दिया गया फांसी का सजा एग्जीक्यूट तभी होगा जब हाई कोर्ट उस पर अपना मुहर लगा दे, मतलब हाई कोर्ट कह दे कि हाँ इस मामले में सेशन कोर्ट ने ठीक किया है, इसमें हो सकता है मृत्युदंड हो सकता है। तो जब मृत्युदंड हो सकता है तो सीधी सी बात है कि मृत्युदंड होने के साथ साथ क्या हो सकता है कि उम्र कैद तो नहीं सकता है, जब मृत्युदंड देने का सजा अधिकार है तो उम्र कैद भी दे सकता है ना, तो ये पावर डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है, बाकी उसके नीचे के जो जजेज हैं उनके पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्रिमिनल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल अधिकार है आपके पास कि आप अंतिम न्यायालय तक अपील करें है ना, अंतिम न्यायालय तक जो है सो वो क्या जी है, कोई विशेष मामला, कोई मामला नहीं ना है हाईकोर्ट वाला, हाँ तो हाईकोर्ट वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कोई मामला मत बनाइएगा आप लोग, ठीक ना, ये सब हंसने कहने के लिए ठीक है, लेकिन जिसके साथ हो जाता है उससे जाके पूछिएगा हाल चाल है ना, कहते हैं कि इस जीवन में अगर दो कोर्ट से अगर आप बच गए, एक सफेद कोर्ट और एक काला कोर्ट, तो समझिए कि जीवन की सभी समस्याओं से आप निकल गए, लेकिन दोनों में से किसी एक कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो समझिए कि जीवन का जितना सुख चैन शांति है वो छीन लेगा है ना, इसलिए डॉक्टर लोग है ना, अब मैं कोई गंभीर बीमारी पकड़ा गया है ना तो देख भी करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होता है किस प्रकार से होता है, कोई मामला हो गया तो चलिए अब वकील सब आप ही के पैसा से वकील बढ़िया सुख सुविधा से रहेगा है ना, आप पैसा बचाने के चक्कर में अपना हालत खराब करते रहिएगा, कैसे कि आपको तो केस लड़ना है, तो इसलिए ऐसा कभी कोई मामला ना बने कि किसी के साथ इतना बड़ा उलझन हो जाए कि मामला कोर्ट पहुंच जाए है ना, तो पढ़ने के लिए ठीक है जानकारी रखिए है ना, और इससे बचने का उपाय रखिए कि भाई इसमें फंसना नहीं है किसी तरीके से है ना, इसमें जाना नहीं है, तो कहीं अगर चल गए किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस में अगर चल गए कहीं है ना, घरेलू हिंसा का भी मामला बनता है इसमें, घरेलू हिंसा भी क्रिमिनल केस है ना, और स्थिति ऐसी है कि अगर मतलब घरेलू हिंसा मतलब कि ये आपको लागू होगा फैमिली पे है ना, फैमिली पे लागू होता है कि घर में अगर आप कोई भी जो भी बहू बेटी बहन है उसके साथ अगर आप मारपीट करते हैं है ना, गलत सलत बात बोलते हैं तो थाना में जाकर खाली इतने कहना है कि मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया बस
हो गया, उसके बाद हो जाएगा ये क्रिमिनल मामला है ना, और वो बनेगा डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ठीक है। अब बेल लेने में हालत ख़राब हो जाए, हो सकता है कि 2-3 बार घूम के भी आना पड़े अंदर से, है ना, उस मामले में। तो इसलिए सतर्कता ज़रूरी है ना। लगा कि गलती से कभी कभी बदतमीजी हो भी गया तो तुरंत पैर पकड़ लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, है ना, बोल दीजिए कि हो गया, गलती से हो गया, अब क्या कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा मत होने दीजिए कि मामला कोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि अब माफ़ी तो आपको मांगना ही पड़ेगा, तभी बेल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा बेल तो। हाँ, तो कोर्ट में जाके मांगिएगा जज साहब के सामने, तो न्यूज़ बन जाएगा, है ना। तो घर ही में मांग लीजिए, घर में कोई जानेगा भी नहीं, है ना। और देखिए, पति पत्नी वाला जो लड़ाई होता है ना, वो भारत पाकिस्तान वाला लड़ाई है, है ना। ऐसे मज़ेदार बात यह है कि अगर पति कहीं पिटा गया है ना, तो उसका इस मामले में हमेशा किसका हाल रहता है, पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान पर देखिए, पाकिस्तान में भारत कितनों बम गिरा दे, पाकिस्तान कहे कुछ नहीं हुआ है, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, सारा सबूत मिला, सारा एविडेंस मिला, और एविडेंस में पता चला कि पाकिस्तान जो है वो, मतलब पाकिस्तान पिटाया है, है ना। लेकिन पाकिस्तान हर फोरम पे जाके बोला कि हम तो नहीं पिटाए हैं, हमको कहाँ कोई मारा है। ठीक ऐसी स्थिति है, अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा बात हुआ और पति बेचारा पिट गया, है ना, अब वो आके बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, जीवन में नहीं बोलेगा। अगर बोल दिया तो लोग सिंपैथी नहीं बल्कि उसका शोषण करेंगे, है ना। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, महिला लोग के साथ तो एक चीज होता है, लड़कियों के साथ एक फायदा होता है कि वो भले पिटाई है चाहे नहीं पिटाई है ना, वो खाली कह दे कि आज हमसे बहुत बदतमीजी से बात किया, इतने पर समाज सिंपैथी देने लगता है, है ना। सही में क्रूर आदमी है ना, खराब आदमी है, ये सब होता है। तो ये सोशल इशू का प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है ना। तो ऐसी स्थिति में ही समाज में आपको रहना है, और अब ये पहले वाला समाज रहा नहीं। सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग नियम कायदा कानून जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे उनके लिए न्यूज़पेपर है, टीवी है ना, तो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो इसलिए प्रयास ये करना है कि जीवन में कभी इस तरह का कोई काम ना हो जाए कि इस तरह से कभी फंसना पड़ जाए, है ना। हाँ, अजीब बात है, दोनों एक दूसरा को मार के हालत खराब कर देगा, नहीं होगा। जब दोनों को मालूम रहेगा उसे कि हम एकरा मार देंगे कितना, तो कुछ नहीं होगा, तो वो मारेगी फिर वो मारेगा। क्या चाहते हैं भाई, कैसा समाज बन जाए, हैं? दोनों एक दूसरे का जान ले लेगा, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हैं? नहीं, आपके लिए है, अगर अगर आप एविडेंस कलेक्ट करते चले, जब कभी वो अगर आपको मारते फोटो खींच लीजिए कि आज आप पिटाए हैं, क्योंकि कोर्ट तो आपसे यही देखेगा ना, कोर्ट आपसे एविडेंस मांगेगा, आपके जाए कहिएगा कि आप पिटाए हैं, कोई मान में नहीं करेगा, इसलिए नहीं मानेगा कि लोग ऐसा है। देखिए, परसेप्शन है कि फिजिकली जो है वो पुरुष जो है वो मजबूत होता है ना, तो वो हो सकता है कि वो वार कर दे। आइए, अब शुरू से ये परंपरा भी देखा गया है ना, कि फिजिकली है, देखिए फिजिकली जो है पुरुष मजबूत जरूर होता है, लेकिन इंटरनल पावर जो है, यानी कि सहन शक्ति की जो क्षमता है, वो महिलाओं में ज़्यादा होती है ना। मतलब पुरुष के पास जो पावर है वो दिखावा वाला पावर है, लेकिन महिला के पास जो पावर है वो एक्चुअल में पावर है ना, वो चीज़ है। आप समझ सकती हैं कि एक माँ ही ऐसी चीज़ है जो एक सभ्यता को जन्म देती है, एक सिविलाइजेशन आता है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो एक सिविलाइजेशन को दे सकता है उसके पास कितना पावर होगा, है ना। तो पावर ज़्यादा वहीं पर है, लेकिन पुरुषों का चूंकि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि फिजिकल स्ट्रेंथ उनके पास थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो इस वजह से वो उसका इस सब गलत सलत काम में प्रयोग भी कर लेते हैं ना। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ऐसा तो बना ही हुआ है परिस्थितियाँ कि पहले समाज से ही राजतंत्र में आप देखते हैं कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, पुरुषों द्वारा किया गया, इसी वजह से इस तरह के कानून है, है ना। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, वैसे वैसे लिबर्टी तो मिल ही रहा है, और पुरुषों के लिए भी चीज़ें हैं अगर आप प्रूव कर पाएं कि हाँ आपका भी सही मामले में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अगर आप ये प्रूव कर दे तो आपके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए कानून है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि रुको फोटो लेते हैं। हाँ, आप पहले से ही सीसीटीवी लगा दीजिए, है ना, हाँ आप पहले से ही सीसीटीवी लगवा लीजिए, फिर पिटाइए, फिर उसका कैप्चर करके कोर्ट में दिखा दीजिए कि भाई देखिए क्या हो रहा है ना। लेकिन ये खैर, मतलब ये देखिए, ये सब ठीक स्थिति नहीं है कहीं पर भी, ये पुरुषों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कहीं पर भी, ठीक है। तो इसलिए प्रयास ये करना है कि ये सब चीज़ जो है सो ना हो,
तो ज़्यादा अच्छा है ना, जीवन मिल मिला करके चल जाए तो ठीक है ना, और थोड़ा बहुत विवाद और असहमतियाँ तो हर जगह पे होती हैं ना, तो असहमतियों की परिस्थिति में प्रयास ये करें कि धैर्यता बना के रखें, है ना। जब लगे कि कोई बात बिगड़ने वाली है तो थोड़ा देर चुप हो जाए, हट जाए तो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन जब लगे कि मामला बिगड़ रहा और उसमें अब आप और इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस सब चीज़ को केवल पढ़िए समझिए और दुनिया में इम्प्लीमेंट कीजिए, ऐसा ना करिए कि ऐसा लगे कि भाई जो पढ़ लिया वो प्रैक्टिकली अपने साथ ही हो गया, है ना, तो वो ना हो, इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है। खैर, तो एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन में दोनों तरह का ये ज्यूरिडिक्शन कोर्ट के पास है, आप सिविल मामले में भी जा सकते हैं और आप क्रिमिनल मामले में भी जा करके अपील कर सकते हैं, कोर्ट आपके मामले को सुनेगा। नेक्स्ट देखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखीय न्यायालय, ओके। तो देखिए अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब है, अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब है कि कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट्स आते हैं, जो कुछ भी होता है, वो मिटता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा परमानेंट बना रहता है रिकॉर्ड के तौर पर, है ना, वो रिकॉर्ड के तौर पर रहता है। और निचली अदालतों के लिए वो पाथ फाउंडर का काम करता है, जो निचली अदालत होती है वो देखती है, जैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला दिया है ना,